वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा। आज मैं आपके सामने लाया हूं 10 उन विस्की ब्रांड का नाम जो मिलियन केसेस में इंडिया में सेल कर रहे हैं। जी हाँ, ये सब बजट फ्रेंडली विस्कीज हैं बट हर साल मिलियन केसेस में सेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख केसेस और उससे ज्यादा सेल करता है जो ब्रांड, वही मैं आज बताने वाला हूं। आप ये जान लीजिए, ये मामूली फिगर नहीं है, ये बहुत बड़े फिगर होते हैं। आइए आज इस वीडियो से जानते हैं वो 10 ब्रांड का नाम और वो साल भर में कितने मिलियन केसेस सेल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बार्टेंडिंग सीखना चाहते हैं? अगर हाँ है तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो फिर काउंटडाउन को शुरू करते हैं और काउंटडाउन की शुरुआत में मैं बोलना चाहूंगा, ये जितने भी बजट फ्रेंडली विस्कीज हैं ये आपको 1000 से 1500 के अंदर अंदर मिल जाएंगे और ये सारे के सारे विस्कीज वेल नोन है, आप बिल्कुल जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ विस्कीज है जिसको आपको लगता होगा कि ये काउंटडाउन शुरू में आना नहीं चाहिए था बट फिर भी ये रैंक किया है बिकॉज ऑफ सेल्स। तो चलिए शुरू कर ही लेते हैं। नंबर 10, और यहां पर मैं रखा हूं रॉयल चैलेंज विस्की को। सुनकर आप हैरान होंगे कि रॉयल चैलेंज फिर से आ गया। अमेरिकन प्राइड तो लॉन्च कर चुकी है। जी हां, रॉयल चैलेंज अभी भी मिलियन केसेस में सेल कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसका सेल फिगर। टॉप 10 में जगह बना लिया है रॉयल चैलेंज। हालांकि इस ब्रांड का सेल ड्रॉप बरकरार है। दिस ईयर 0.5% सेल ड्रॉप के साथ साथ 10th नंबर पोजीशन ले लिया है ये ब्रांड। पिछले साल 55 लाख केसेस सेल कर चुका था रॉयल चैलेंज कंपनी। रॉयल चैलेंज इज वन ऑफ द फेमस ब्रांड इन इंडिया, ओन बाय वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइन एंड स्पिरिट कंपनी डियाजियो, बट ब्रांड कहीं ना कहीं अपनी गरिमा आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है। नाउ नंबर 9, और नंबर 9 पे है बैक पाइपर विस्की। एक टाइम था जब इसको ओन करते थे यूनाइटेड स्पिरिट, नाउ उसके बाद डियाजियो ने ले लिया। अब डियाजियो से ये ब्रांड को खरीद चुके और एक ब्रांड और एक कंपनी, बट बैक पाइपर का सेल अभी भी बरकरार है मिलियन केसेस में। लास्ट ईयर के मुकाबले 9% ग्रोथ के साथ ये ब्रांड 9th नंबर पर जगह बना लिया है। लास्ट टू लास्ट ईयर में ब्रांड ने 6.1 मिलियन केसेस सेल कर चुका था, मतलब 7 लाख से भी ज्यादा केसेस सेल कर चुका था। 2016 में कंपनी को एक्सट्रीम ग्रोथ मिला था लाइक 70 लाख केसेस का। एनीवे, चलिए मूव करते हैं नंबर 8 पे, और नंबर 8 पे है आपको क्या लग रहा है, चलिए ब्लेंडर्स प्राइड। सो ब्लेंडर्स प्राइड पाउनोरिका का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया। सो इस साल ब्लेंडर्स प्राइड नंबर 8 पोजीशन पर आ चुका है 4.6% एनुअल ग्रोथ के साथ 7.7 मिलियन केसेस, मतलब 77 लाख केसेस सेल कर दिया था पिछले साल ये ब्रांड। सो ब्रांड का ग्रोथ बरकरार है। आइए मूव करते हैं नंबर 7 की तरफ, और नंबर 7 पर इस बार आया है 8PM। मैजिक मोमेंट वॉडका को बनाने वाले रेडिको खैतान ने बनाया है 8PM विस्कीज को। लास्ट टू लास्ट ईयर 8.2 मिलियन, और लास्ट ईयर 8.5 मिलियन केसेस, मतलब 85 लाख केसेस को सेल करके कंपनी 3.9% ग्रोथ हासिल किया है एंड इस काउंटडाउन में 7 नंबर पर जगह बना लिया है। 8PM लगातार 5 ईयर से एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ ईयर बाय ईयर आगे बढ़ रहा है। चलिए मूव करते हैं नंबर 6 की तरफ, और यहां पर है हेवर्ड 5 विस्की। जी हां, अगेन एक डियाजियो प्रोडक्ट है और यूनाइटेड स्पिरिट का ये प्रोडक्ट है। बहुत ही बढ़िया विस्की, धमाल का सेल हो रहा है पैन इंडिया में। ये कंपनी बहुत ही जल्द 10 मिलियन केसेस, मतलब 1 करोड़ केसेस का माइलस्टोन को भी छू लेगा। लास्ट टू लास्ट ईयर 94 लाख केसेस, और लास्ट ईयर 96 लाख केसेस विस्कीज को सेल करके 2.1% ग्रोथ के साथ 6 पर जगह बना लिया है
इस बार, और 2024 खत्म होते होते शायद 2 करोड़ कर ले, मालूम नहीं। चलिए मूव करते हैं नंबर 5 पे, और नंबर 5 पर है एक विस्की जिसका नाम बहुत फेमस हो चुका है, और वो है ओरिजिनल चॉइस। पॉल जॉन डिस्टिलरी का नाम आपने सुना ही होगा। जॉन डिस्टिलरी का ये प्रोडक्ट धमाल मचा रहा है पैन इंडिया में। कुछ पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज्यादा सेल है ओरिजिनल चॉइस का। 10.3% हेल्दी ग्रोथ के साथ लास्ट 4 ईयर्स से कंपनी उल्का की तरह आगे बढ़ रहा है। लास्ट टू लास्ट ईयर में 11.5 मिलियन केसेस, एंड लास्ट ईयर में 12.5 मिलियन, मतलब 1,25,00,000 केसेस व्हिस्की को सेल कर चुका है, एंड 5th पोजीशन ले लिया है ओरिजिनल चॉइस व्हिस्की इस काउंटडाउन में। अब नंबर 4, और यहां पर है रॉयल स्टैग व्हिस्की। भाई इस ब्रांड का बात ही कुछ अलग है, मतलब मेक इट लार्ज, मेक इट लार्ज, मेक इट लार्ज, ये लार्ज कर करके मतलब 2,20,00,000 केसेस की तरफ पहुंच चुका है। मतलब 2,20,00,000 केसेस रॉयल स्टैग व्हिस्की को सेल कर चुका है ये कंपनी यार, रॉयल स्टैग व्हिस्की। लास्ट टू लास्ट ईयर 21.6 मिलियन, एंड लास्ट ईयर 22 मिलियन केसेस सेल करके कंपनी हासिल कर लिया है 2.1% एनुअल ग्रोथ। सो इस हाईएस्ट सेलिंग व्हिस्की को ओन करता है पर्नोड रिकॉर्ड कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नंबर 3 पे कौन है। क्या आपने गेस किया कि कौन सी ब्रांड हो सकती है? चलिए मैं बता ही देता हूं, इंपीरियल ब्लू। लार्जेस्ट सेल इंक्रीज हुई है इस ब्रांड की, और 16% एनुअल ग्रोथ के साथ कंपनी ने लास्ट टू लास्ट ईयर सेल किया था 22.7 मिलियन, एंड दिस ईयर 26.3 मिलियन, मतलब 2,60,00,000 केसेस से भी ज्यादा सेल। शायद इस साल हम लोगों को देखने मिल जाए 30 मिलियन केसेस, मतलब 3 करोड़ केसेस का माइलस्टोन। मुझे लगता है कि ये भी शायद कर लेगा ये कंपनी। एनीवे, चलिए मूव करते हैं नंबर 2 पे, और नंबर 2 पर एक अमेजिंग ब्रांड है, और मुझे लगता है कि आपने गेस कर ही लिया है। जी हाँ, ऑफिसर चॉइस ब्लू। लास्ट ईयर इसका रैंक था नंबर 1, बट इस बार खिसक के नंबर 2 पर आ चुके हैं। द ब्रांड ड्रॉप बाई 10% टू बिलो द 30 मिलियन केसेस थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से कंपनी जो कंसिस्टेंसी दिखाई है बेस्ट सेलिंग व्हिस्कीज का, वो थोड़ा ड्रॉप तो हुआ है, बट मुझे लगता है कि 2024 आते आते फिर से ना टॉप पर आ जाए। सो अब फाइनल अनाउंसमेंट। जी हाँ, टॉप मतलब लीडरों का लीडर कौन है। हालांकि आप सोच रहे हैं कि दादा ने तो ऑलमोस्ट सब व्हिस्कीज का नाम बता ही दिया है, तो फिर टॉप में कौन आ गया? शायद आपने एक नाम को अभी भी दिल से चिपक के रखे है, और वो है मैकडाउल्स नंबर 1 व्हिस्की। जी हाँ, इस बार मैकडाउल्स नंबर 1 हो चुका है। पिछले साल 2 नंबर में थे, बट इस साल टॉप में आ चुके हैं। जी हाँ, इस बार मैकडाउल्स का जो 6% ग्रोथ है उसके साथ ये कंपनी सेल कर चुका है 30.7 मिलियन केसेस, मतलब 3,07,00,000 केसेस, और इसके कारण ये ब्रांड आ चुका है नंबर 1 पे इस साल। लास्ट 6 मंथ में डियाजियो का जो नेट सेल है वो इंडिया में इंक्रीज हुई है more than 2%। कंपनी का जो रेगुलर ब्रांड्स है और रेगुलर सेगमेंट है व्हिस्की राम जिन, उसका अगर मार्केट ग्रोथ को पकड़ू तो 5% ग्रोथ के साथ ये कंपनी अभी लीड कर रहा है मैकडॉल्स के साथ। सो सॉलिड परफॉर्मेंस इन इंडिया। सो मैकडॉल्स व्हिस्की, कंग्रेचुलेशंस। बाय द वे, यहां पर वीडियो खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके हिसाब से कौन सा वो ब्रांड है जो नंबर टॉप पे आना चाहिए, क्या लगता है? लिखिएगा जरूर। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।